आती है ये पांच चीजें, आज ही ले आए घर, कभी नहीं होगी धन की कमी। एक, हाथी की मूर्ति। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वही ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी के हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। दो, कछुआ। फेंग शुई वास्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुए की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना चाहिए। फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है ज्यादा नारियल पानी, जाने कितना और किस समय पिए। तीन, हंस। वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए, इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हो तो अपने शयन कक्ष में बत्तख के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं, इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। चार, गाय। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा रहता है, इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। पांच, ऊंट। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है, आपके करियर को फायदा पहुंचता है। दोस्तों